हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मंदीप, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मंदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी एनसीईआरटी की ग्रुप डी के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारा सिक्स क्लास का नाइन्थ लेसन है, जिस लेसन का नाम क्या है, सजीव एवं उनका प्रवेश, मतलब कि जो जीव जंतु हैं उनका किस तरह का प्रवेश है, वे कहाँ कहाँ रहते हैं, आज का ये हमारा जो है चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहले ही हम किसके बारे में जानते हैं कि सजीव क्या होते हैं या जीव क्या होते हैं। वे सभी जो जंतुएं या वस्तुएं जो श्वसन क्रिया करती हैं, मतलब कि जो भी जंतु या वस्तु जो श्वसन की क्रिया करती है, जिसके अंदर श्वसन की क्रिया होती है, वो क्या कहलाता है, सजीव। और निर्जीव कौन सा होगा, जो भी जीव या जंतु, जो भी वस्तु या जीव जंतु, मतलब वे सभी वस्तुएं जो श्वसन की क्रिया नहीं करती, वे क्या कहलाएंगी, निर्जीव वस्तु, निर्जीव। समुद्र में लवणीय जल होता है, मतलब कि जो समुद्र है उसके अंदर जो जल होता है वो लवणीय होता है। मरुस्थल में बहुत कम मात्रा में, मतलब जो मरुस्थल होता है उसके अंदर जल बहुत कम मात्रा के अंदर मिलता है। मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म एवं रात को अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं, मतलब क्या होता है, जो रेगिस्तान है वो रात को तो एकदम से ठंडा हो जाएगा रेत, और दिन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। देखिए अब हम दो अलग तरह के जीवों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो जो रेगिस्तान का जो ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इसके पैर लंबे होते हैं, जिसके कारण इसका शरीर रेत से काफ़ी ऊंचाई पर होता है। मतलब क्या है कि जो ऊँट के जो पैर हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, जिसके कारण ऊँट का जो पैर है, जो ऊँट का शरीर है वो रेत से काफ़ी ऊँचाई पर होता है, इसलिए इसे गर्मी कम लगती। और ये जो सेकेंड बात, ये जो मूत्रोत्सर्जन करता है, मतलब कि जो मूत्र करता है, उसके मूत्र बहुत कम होती है, मतलब ये जो मूत्र जो है बहुत कम मात्रा में करता है, तथा जो इसका मल है, मतलब कि जो इसकी लैटरिन है वो बिल्कुल शुष्क है। मतलब एक तो मूत्र कम करता है, ऊपर से लैटरिन इसकी शुष्क है, मतलब पानी का उत्सर्जन तो बिल्कुल कम ही करता है। इन्हें पसीना भी, मतलब इसके जो पसीना नहीं आता शरीर के अंदर, और जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए बिना जल के काफ़ी समय तक रह सकता है। एक तो देखिए इसका शरीर जो है, इसके जो टांगे वो काफ़ी लंबी है, इसलिए ये रेत से दूर, इसका जो शरीर है वो रेत से दूर रहता है और गर्मी कम लगती है। दूसरी बात, ये मूत्रोत्सर्जन कम करता, मतलब मूत्र कम करता, और जो इसका मल है, मतलब लैट्रिन है, वो शुष्क है, पसीना नहीं आता इसको, और जल का ह्रास भी बिल्कुल कम होता है इसके अंदर, तो इसलिए काफ़ी दिनों तक मतलब बिना पानी के रह सकता है। और आगे देखिए दूसरा हमारा मछली, इनका जो शरीर है धारा रेखीय होता है। जैसे कि दोस्तों हमने पहले अपने पिछले चैप्टर के अंदर जो डिस्कस किया था, धारा रेखीय शरीर कैसा शरीर होता है, जो आगे से पतला, बीच से मोटा और फिर पतला, ऐसा शरीर कौन सा होता है, धारा रेखीय। इनका शरीर चिकने शल्कों से बना होता है, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, और साथ ही सुगम गति, मतलब जो इनके जो शल्य होते हैं, मतलब जो मछली का शरीर है वो चिकने शल्कों से बना हुआ है, जो इन्हें तैरने में और सुरक्षा के लिए इनके लिए होते हैं, मतलब जो इन्हें तैरने में मदद करता है और इनकी साथ ही सुरक्षा भी करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारा मछली की पूंछ चपटी होती है, जो इन्हें दिशा परिवर्तन व संतुलन में मदद करती है। मतलब ये पूछ ले कि मछली जो अपनी दिशा परिवर्तन करती है वो किस अंग की सहायता से करती है, पूंछ की मदद से। मछली के जो गिल या कलोम्स, मतलब क्या है, मछली जो अपने गलफड़े नहीं होते उसके जो साइड के अंदर, उनसे सांस लेती है, या इनको क्या कहते हैं, कलोम। आगे देखिए दोस्तों, आगे है अनुकूलन, मतलब अनुकूलन का मतलब ही क्या है दोस्तों, अनुकूलन का मतलब है कि किसी भी चीज़ के प्रति मतलब सही होना, उसके प्रति पॉजिटिव होना, मतलब कि जिन विशिष्ट संरचनाओं तथा अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती। अनुकूलन मतलब क्या होता है, उसकी जो भी, मतलब किसी पौधे की या जंतु की जो भी वहाँ की स्थिति या स्वभाव है, जो उसे उस आवास में रहने के योग्य बनाता है, उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब ही क्या है कि उसके लायक, मतलब कि जिस भी आवास के अंदर जो भी जीव या जंतु रहता है, उसकी जो वरिष्ठ जो संरचनाएँ हैं या उसका जो स्थिति, उपस्थिति या जो स्वभाव है, वो उस जंतु को उसमें रहने के लिए योग्य बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन। तो आगे देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आवास क्या है। आवास का एक बार सिंपल सा समझिए,
कि आवास क्या होता है, जहाँ हम रहते हैं, मतलब जो हमारा घर है या जहाँ हम रहते हैं वो आवास होता है, किसी भी जीव का प्रवेश जिसमें वह रहता है। तो देखिए दोस्तों, मतलब कि किसी भी जीव का वह प्रवेश या वह स्थान जहाँ वह रहता है तो क्या कहलाता है, आवास। आवास के लिए मतलब क्या क्या अन्य आवश्यकताएँ हैं, भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर, मतलब अपन जो जीव है भोजन वायु शरण तथा स्थल के लिए अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ क्या है, वास स्थान या एक घर। तो दोस्तों क्या समझे, आवास का मतलब क्या है, किसी भी जीव का वह स्थान जहाँ वह रहता है, समझ गए। तो आवास के लिए मतलब व्यक्ति किन किन वस्तुओं के लिए आवास पर निर्भर करता है, भोजन वायु शरण स्थल और कुछ अन्य चीज़ों के लिए जो है जीव अपने आवास पर निर्भर रहते हैं। आवास का अर्थ क्या होता है, वास वास्तान या एक घर। स्थलीय आवास क्या होता है दोस्तों, जो कि स्थल मतलब कि जो भूमि पर बनाया गया आवास हो, ठीक है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास, मतलब कि जो भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर, न तो पहाड़ों के ऊपर हो न ही जल के ऊपर, जो भूमि के ऊपर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्थलीय आवास। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय, तटीय। और देखिए जलीय आवास मतलब जो पौधे या जंतु जल के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जिनका जो आवास मतलब कि जिनका जो घर जल है उन्हें क्या कहते हैं, जलीय आवास कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए दोस्तों, जलाशय, दलदल और झील, नदियां, समुन्दर। आगे देखिए दोस्तों, जैव घटक, किसी भी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु जैव घटक हैं। जैव घटक क्या होते हैं, मतलब कि कोई भी आवास है, आवास का मतलब है घर, मतलब कि कोई भी आवास है जिसके अंदर जितने भी जीव जंतु, मतलब कि मान लो आप अपना एक घर है, घर के अंदर 5 बंदे हैं, एक पेड़ है और एक कुत्ता है, तो मतलब टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो वे सभी जो हैं वे जैव घटक, मतलब आवास के अंदर पाए जाने वाले सभी पौधे एवं जंतु, मतलब कि पौधे हो या जंतु हो वे सभी क्या कहलाएंगे, जैव घटक कहलाएंगे। अजैव घटक, किसी भी आवास के अंदर पाए जाने वाले सभी निर्जीव निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाएंगी, अजैव घटक। जैसे कि अपने घर पर मान लो टेबल, कुर्सी, मेज, बेड, फ्रिज, एसी, ये सब कुछ क्या है, अजैव घटक। जैव घटक क्या है, जो सजीव हैं, जो सांस ले रहे हैं अपने आवास के अंदर, वे क्या हैं, जैव घटक। आगे देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी अजैव घटक के अंदर आते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पूर्ण पर्यनुकूलन, ये क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को एकदम से ढाल लेना पर्यनुकूल होता है, मतलब कि जैसे मान लो सपोज आपने दौड़ना शुरू किया तो ऐटोमेटिक जो आपके शरीर के अंदर परिवर्तन हुआ, जैसे कि आपकी जो श्वसन की गति है वो बढ़ गई, तो ये इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, पर्यनुकूल परिवर्तन, मतलब कि अल्प अवधि में किसी भी जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन, मतलब कि जो कम से कम समय में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो कम से कम समय में जो परिवर्तन होते हैं उनके अनुसार अपने शरीर को ढाल लेना, वो क्या कहता, क्या कहलाता, अल्प, वो क्या कहलाता, पर्यनुकूलन कहलाता। तो आगे देखिए दोस्तों, मरुस्थलीय पौधे, वातावरण द्वारा जल की मात्रा निष्कासित होती है, मतलब कि जो ये मरुस्थलीय पौधे हैं, मरुस्थल के अंदर पाए जाने वाले पौधों का जिक्र है। अब वाष्पोत्सर्जन, जब इनके अंदर वाष्पोत्सर्जन होगा उसके अंदर बहुत कम ही मात्रा में जल निष्कासित होगा। इनकी पत्तियां छोटी होती हैं। देखिए दोस्तों, आगे नागफणी के बारे में पढ़ते हैं। नागफणी के पत्ते जैसी संरचना उसका मतलब जो नागफणी के अंदर पत्ते जैसी जो संरचना दिखाई देती है वो पत्ता नहीं, वो उसका तना होता है। और जो नागफणी के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उसके तने के अंदर होता है, ना कि इसके पत्ते के अंदर। जो इसका तना मोटी मोम की परत से ढका होता है, मोमी परत से ढका हुआ होता है। पर्वतीय क्षेत्र में देखिए दोस्तों, ये आवास सामान्य पर्वत के ये क्षेत्र के जो आवास हैं वो सामान्यतः बहुत ठंडे हो, मतलब अत्यधिक ठंडे होते हैं। इनमें तेज हवाएं चलती रहती हैं। और जो इसके पर्वतीय क्षेत्र के जो जीव जंतु कौन से, एक तो तेंदुआ है, याक है, पहाड़ी बकरी, ये जो पर्वतीय आवास के मतलब प्रतिकूल होते हैं, अनुकूलित होते हैं, मतलब कि इनका जो शरीर है वो पर्वतीय आवास पर रहने के योग्य होता है। कौन सा, तेंदुआ, याक और पहाड़ी बकरी। पर्वतीय वृक्ष सामान्यतः शंकु आकार के, जो पर्वत के जो वृक्ष हों ये शंकु आकार के होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है, कुछ पत्तियां सुई के आकार की, मतलब जो ये पर्वतीय क्षेत्रों के जो वृक्ष होंगे इनकी जो
वृक्ष सामान्यतः शंकु आकार के होंगे, इनकी जो शाखाएं तिरछी होती हैं, कुछ पत्तियां सुई के आकार की होती है। ये शंकु आकार के क्यों होते हैं? क्योंकि इनके यहाँ कहीं कहीं तो मतलब बर्फ़ पड़ती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनके ऊपर ना तो बर्फ़ रुक पाती और ना ही पानी, इसलिए शंकु आकार के होते हैं। घास तल वेस्ट मतलब घास तल क्या होंगे, जो घास के जो स्थल हैं, जो अपना घास मतलब जो कि मैदानी जो क्षेत्र हैं, घास तल शेर वन में अथवा घास तल में, मतलब जो शेर है वो वन या घास तल में रहता है, और जो शेर का रंग है वो कैसा है, मटमैला रंग होता है शेर का। और जो घास तल के अंदर पाए जाने वाले जंतु शेर, हिरण, भैंस, गायें, जेबरा, काफ़ी मतलब जो भी जंतु हमारे आसपास वो घास तल के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जलीय आवास मतलब कि क्या है, जो जलीय आवास है वो क्या है, जल के अंदर जो आवास होता है ना, जल के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का जो आवास है वो क्या है, जलीय आवास। तो आगे देखिए दोस्तों, सिक्वर्ड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है धारा रेखीय क्या होता है, आगे से पतला, बीच से मोटा और फिर पतला। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे जो जंतु हैं उनका शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता, ये समुद्र की तलहटी में रहते हैं। मतलब क्या है कि जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा जो जलीय जंतुओं का जो शरीर है वो धारा रेखीय होता है, ताकि वे आसानी से सुगमता से तैर सकें और आसानी से अपना जो शरीर का संतुलन है वो बिना सके। लेकिन स्क्विड और ऑक्टोपस का जो शरीर है वो धारा रेखीय नहीं है, तो इसलिए जो काफ़ी मतलब कि इन्हें तैरने में मतलब परेशानी होती है, और ये इसलिए समुद्र की गहराई में और तलहटी में रहते हैं। ठीक है, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते, मतलब कि हमने ऊपर पढ़ा भी अभी कि जो मतलब मछलियां हैं वो अपने गिल गलफड़ों या कलोम से सांस लेती हैं, लेकिन जो डॉल्फिन और व्हेल है उसके अंदर गिल नहीं होते, मतलब गलफड़े नहीं होते, सिर पर स्थित नासा द्वार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम तो यही है कि मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है, तो लेकिन वे डॉल्फिन और व्हेल किससे सांस लेती है, अपने सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेती है। मतलब कि ये क्या करती है, जो इनके सिर के ऊपर जो नासा द्वार अथवा वात छिद्र होते हैं उनके द्वारा ये सांस लेती है। लंबे समय तक जल में बिना सांस लिए ये रह सकती है, मतलब कि ये बिना सांस लिए लंबे समय तक जल के अंदर रह सकती हैं। ये समय समय पर समुद्री सतह से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर। मतलब क्या है, जो व्हेल और जो डॉल्फिन है उसके अंदर गिल नहीं होते, ये अपने सिर के ऊपर नासा द्वार अथवा छिद्रों से सांस लेती हैं। मतलब कि ये इनके सिर के ऊपर नासा द्वार या छिद्र होते हैं उनके द्वारा ये सांस लेती हैं, गलफड़े इनके अंदर होते नहीं, और समय समय पर ये समुद्र की सतह के बाहर से बाहर आते रहते हैं, और जो इनके जो छिद्र है ना जो सिर के ऊपर उनके अंदर जो जल भरा होता है उसे बाहर निकाल के ये स्वच्छ वायु अपने श्वास के द्वारा स्वच्छ वायु भरते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे देखिए, जलीय पौधे का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह से पर पलवन करते हैं। मतलब कि जो जलीय पौधे होते हैं उनका तना लंबा खोखला और हल्का होता है। आगे देखिए, श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा, जो अपना सांस लेना वो किस क्रिया का हिस्सा है, श्वसन क्रिया का हिस्सा है। सांस ले जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन की कुछ मात्रा क्यों अंदर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोस्तों केवल 21% ही हम ले पाते हैं, और बाकी जो 78% है वो नाइट्रोजन, और जो 1% बच गया वो अन्य गैसें हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैचुआ जो है सांस त्वचा के द्वारा सांस लेता है, ना तो इसके अंदर गलफड़े और ना ही इसके अंदर फेफड़े होते, ये त्वचा के द्वारा सांस लेता है। पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, मतलब जो पौधे होते हैं उनके अंदर भी श्वसन क्रिया होती है, ये कि नहीं कि मानव श्वसन क्रिया करता है। श्वसन क्रिया के अंदर पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें पढ़ाया जाता है कि पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों, पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ही लेते हैं। ये कब होता है, जब पौधे
अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तब वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो इनके द्वारा तब ऑक्सीजन छोड़ी गई ऑक्सीजन श्वसन में यूज करी गई ऑक्सीजन से काफ़ी अधिक होती है। आगे देखिए दोस्तों, उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? उत्तेजित या जागृत करने की जो क्रिया या भाव, मतलब कि किसी भी चीज़ के प्रति उत्तेजित होना या उसका भाव आना या जागृत हो जाना क्या कहलाता है, उसकी जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है। जैसे कि मान लो एक आपके सामने एकदम से किसी ने बल्ब जला दिया, तो आप एक आपके आँखें एकदम से चौक जाएंगे, अंधेरे के अंदर आप हो और आपके सामने किसी ने एकदम से बल्ब जला दिया तो आप एकदम से चौक जाओगे, तो ये क्या है? उद्दीपन की प्रक्रिया। उद्दीपक क्या होते हैं? भड़काने वाले, उत्तेजित करने वाले, प्रज्वलित करने वाले, जागृत करने वाले। उद्दीपक क्या होगा? जैसे कि जो बल्ब जलाया है वो उद्दीपक होगा, उसने आपको उत्तेजित कर दिया, मतलब एकदम से जागृत कर दिया, भड़का दिया। छुई मुई गुलबंदी के पौधे की पत्तियाँ छूने पर सिकुड़ जाती है, मतलब जो छुई मुई का जो पौधा है उसकी पत्तियाँ छूने पर सिकुड़ जाती हैं। उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैसे कि हम अपने शरीर के अंदर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या जो कुछ भी खाते पीते हैं, उसका पाचन शरीर पूरा अपने अंदर नहीं कर पाता, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो बचा हुआ उसका जो अपशिष्ट गंदा पदार्थ है, उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया, हम उसे उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि जो हमारा शरीर के अंदर हम खाना खाते हैं, उसका जो बचा हुआ जो पार्ट है, जैसे कि जिसे हम लैट्रिन के रूप में या मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। समझ गए दोस्तों? पौधों में मतलब ये नहीं कि जंतुओं के अंदर उत्सर्जन होता है, पौधों के अंदर भी उत्सर्जन होता है, लेकिन इनका जो उत्सर्जन है, इनके अंदर कुछ विषैले पदार्थ या कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जो पौधे के किसी अन्य भाग में जाकर संग्रहित हो जाते हैं, और ये पौधे को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। आगे देखिए दोस्तों, जंतु प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ पौधे अपने कायिक भागों द्वारा, मतलब जो जंतु है प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजनन क्या है? जैसे कि दोस्तों देखिए, जैसे हमारे माता पिता से हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता का जन्म हमारे दादा दादी से हुआ, ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? प्रजनन। कुछ पौधे अपने कायिक भागों के द्वारा भी नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। एग्जांपल, जैसे आलू कायिक भाग से अपने, मतलब कि कुछ पौधे जो हैं अपने कायिक भागों से भी कायिक भागों के द्वारा भी पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे आलू कलिका। तो देखिए दोस्तों, ये था आज का हमारा लेसन। अब हम इसके MCQ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पर्वतों पर कौन से जीव मिलते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा था, पर्वतों पर तेंदुआ, हिम तेंदुआ, बकरी और याक, मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा? बकरी और याक दोनों होगा। आगे देखिए दोस्तों, सजीव किसे कहते हैं? जो सांस लेते हैं, जो सांस नहीं लेते, जो जीवित नहीं है, मतलब कि जो सांस लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सजीव। तो देखिए दोस्तों, आगे थर्ड क्वेश्चन, जिस स्थल पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं, मतलब जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उनका आवास कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे, सजीव कौन कौन से होते हैं, मतलब सजीव कौन कौन से होते हैं? मनुष्य, पौधे, जीव जंतु, उपरोक्त सभी, मतलब जो सांस लेंगे, जिनके अंदर श्वसन की क्रिया, वो सब सजीव हैं। पर्वतों पर कौन से वृक्ष होते हैं? देखिए, चीड़, देवदार, ओक, मतलब सब ये जो वृक्ष हैं ये पर्वतों के ऊपर होते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे, कहाँ चले गए? ये देखिए दोस्तों, पौधों में किस प्रकार की गति होती है, मतलब कि पौधों के अंदर किस प्रकार की गति होती है, पौधे में किसी प्रकार की किस प्रकार की गति होती है? वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जल, खनिज एवं खाद्य पदार्थों का समन्वय होना, पुष्पों का खिलना बंद होना, मतलब बी और सी, उनके अंदर पुष्प भी खिलते हैं और एक स्थान जल तथा खनिजों का आदान प्रदान भी करते हैं। पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषताएं होती हैं, मतलब जो पर्वत के वन हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? इनके पत्ते चौड़े होते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, क्योंकि ये लवणीय होता है, हमने पढ़ा, लवण कैसा होते हैं? खारे। आगे देखिए दोस्तों, जैव घटक कौन से होते हैं, मतलब कि जो जीव जंतु हैं, जो जीवित हैं, वे जैव घटक होते हैं। जैसे हमने घर का एग्जाम्पल देकर बताया था, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और बी। तो देखिए दोस्तों आगे, नागफणी का पौधा कहाँ मिलता है? नागफणी का पौधा रेगिस्तान के अंदर मिलता है। रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान के अंदर।
आगे देखिए दोस्तों, अनुकूलन किसे कहते हैं, मतलब प्रवेश में रहने योग्य बनाना क्या कहलाता है अनुकूलन, जैसे कि हमने पढ़ा था। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से हम इन क्वेश्चन को कर पाते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। प्रकाश नागध्वनि में प्रकाश संश्लेषण किस द्वारा होता है, तने के द्वारा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन क्योंकि हमने एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से कवर की। जलीय पौधों में निम्न में से कौन से गुण होते हैं, जल के जो पौधे होते हैं तना लंबा खोखला और हड़का होता है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों आपका, क्योंकि एनसीईआरटी आपके हर कंसेप्ट को क्लियर कर देती है। शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषता होती है, देखिए दोस्तों इसके पैर के जो नख हैं लंबे होते हैं, मटमैला रंग है, चेहरे के सामने आके होती है। उपरोक्त सभी बातें इसके अंदर आंसर होगा हमारा। अगला देखिए, निम्न में से कौन से सजीवों के गुण नहीं हैं, मतलब जो जीव हैं उनके गुण कौन से नहीं है। भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उत्सर्जन प्रजनन, मतलब कि भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये गुण नहीं है। भोजन की आवश्यकता होगी सजीव को। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषताएं हैं, पर्वत पर क्या होता है अत्यधिक ठंड होगी तो मोटी त्वचा, शरीर पर लंबे बाल, ठीक है, शरीर पर फर जो शरीर है फर से ढका होगा, मतलब उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की एनसीईआरटी की सीरीज और उसका 9th लेसन। तो दोस्तों, लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। हम बिल्कुल गहराई से एनसीईआरटी करवा रहे हैं दोस्तों, और हमारा वादा है ग्रुप डी से पहले हम आप एग्ज़ाम से पहले हम आपको एनसीईआरटी करवा देंगे। अगर आप इस लेवल इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका हमारा वादा है कि 15 out of 15 नंबर आएंगे। जो बच्चे साइंस से डरते हैं ना, उनका भी बिल्कुल डर खत्म हो जाए, क्योंकि ये एज ए आपको 6th क्लास का स्टूडेंट समझकर समझाई जा रही है, और 6th से लेकर आपका जो बेस है वो 10th तक का बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल माहिर हो जाएंगे। जिन बच्चों ने साइंस के अंदर BSc वगैरह कर रखी है, आप उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो देखिए चलो, ये दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।